जगदीप के निधन से दुखी बॉलीवुड सितारे अजय देवगन ने किया ये ट्वीट। बॉलीवुड के लिए साल 2020 बेहद ही निराशाजनक साबित हुआ। पिछले 3 महीनों में इंडस्ट्री के 5 बड़े सितारे इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। इरफान खान, ऋषि कपूर, सुशांत सिंह राजपूत और सरोज खान के बाद बीते दौर के मशहूर एक्टर और कॉमेडियन जगदीप का 81 साल की उम्र में निधन हो गया। जगदीप अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए जाने जाते थे और एक दौर में उनकी लोकप्रियता फिल्म के मेन लीड एक्टर जितनी होती थी। बॉलीवुड सितारों ने जगदीप को श्रद्धांजलि दी। अजय देवगन ने ट्वीट करते हुए लिखा, जगदीप साहब के निधन की दुखद खबर मिली। उन्हें सिनेमा के पर्दे पर देखा, मैंने हमेशा एंजॉय किया। वे दर्शकों का बहुत ही मनोरंजन किया करते थे। जावेद और उनके परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। जगदीप साहब की आत्मा के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। इसके अलावा मुल्क, आर्टिकल 15 और थप्पड़ जैसी फिल्मों का निर्देशन कर चुके डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने ट्वीट करते हुए लिखा, भगवान जगदीप साहब की आत्मा को शांति दे। मनोज वाजपेयी ने जगदीप साहब को याद करते हुए लिखा, रीप धन्यवाद उन तमाम यादों के लिए जो मैंने बचपन में आपके फिल्में और परफॉर्मेंस देखकर प्राप्त की। आप हम सबके द्वारा हमेशा याद किए जाएंगे। परिवार के प्रति संवेदना। जगदीप ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत 1951 में बी.आर. चोपड़ा की फिल्म अफसाना से की थी। 16 की सुरमा भोपाली के अलावा पुराना मंदिर में मच्छर के किरदार और फिल्म अंदाज अपना अपना में सलमान के पिता के रोल में उन्हें खूब पसंद किया गया था। जगदीप ने सुरमा भोपाली नामक एक फिल्म का निर्देशन किया था। इस फिल्म में लीड एक्टर के तौर पर वो खुद ही नजर आए थे, जिसे फैंस का भरपूर प्यार मिला था।